मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोगों के प्यार स्नेह जो आप लोग वीडियो मेरा देख करके जो आप लोग अब मुझको प्यार स्नेह दे रहे हैं उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। मेरे प्रोग्राम को आप लोग देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। कोई विशेष बात हो तो मैं अपना मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ, उसको आप उसके द्वारा आप लोग बात करिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9425308111। एक बार और सुन लीजिए, 9425308111। बहुत से मित्रों का अनुरोध है कि मैं शनि मंगल सूर्य पर बोलूं। दोस्तों, अलग अलग लोगों का विचार है। एक कुंडली एक महान सागर है। मेरी प्रयास रहेगी, एक वीडियो में तो सबको नहीं पिरोया जाएगा, लेकिन मेरा प्रयास है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं हर ग्रहों का तालमेल आप लोगों को बताऊं। बड़े ध्यान से शनि मंगल सूर्य को सुनिए। ये ग्रह लाभदायक भी हैं, हानिकारक भी हैं। तो मैं हर ग्रहों के हर भाव को आपके सामने रख रहा हूँ। जिस सज्जन के कुंडली में शनि मंगल सूर्य लग्न का हो, ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से उत्तेजित होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं और बहुत जल्द कोई निर्णय लेते हैं तथा उदर रोग से पीड़ित होते हैं। दूसरे भाव का शनि मंगल सूर्य, दोस्तों, ऐसे व्यक्ति धन संचय नहीं कर पाते हैं। धन तो कमाते हैं मगर साथ में मंगल सूर्य बैठा हुआ है, गलत तरीके से अपने धन को बर्बाद करते हैं, आर्थिक तनाव बनी रहती है। जितना भी मेहनत करते जाएंगे, अधिक धन जितना भी प्राप्त करते जाएंगे, उन्नति जितना भी करेंगे, लेकिन आर्थिक तंगी आर्थिक चिंताओं से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तीसरे भाव का शनि मंगल सूर्य, दोस्तों, ऐसे व्यक्ति या महिला के कुटुंब से अच्छा संबंध रहता है, अच्छी सोच रहती है और अपनी राजनीति से अपने पुरखों के अपनी जायदाद हक की जायदाद जो जमीन जायदाद है उसका पूर्ण हिस्सा प्राप्त करते हैं। चौथे हाउस का शनि मंगल सूर्य, दोस्तों, ये घातक है। ऐसे लोग परिवार व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन सुखदायी नहीं होता है, नशा पानी कर बैठते हैं, गलत इनकी सोच हो जाती है, गंदे लोगों के साथ रहते हैं, गंदी आदत पकड़ते हैं। पंचम हाउस का शनि मंगल सूर्य, दोस्तों, ऐसे व्यक्ति पूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं, अधिक शिक्षा के द्वारा सम्मान प्राप्त करते हैं, व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं और प्रशासनिक अधिकारी बनने की इच्छा होती है। ये पंचम हाउस संतान घर भी है, तो जिसका भी शुक्र मंगल और सूर्य पंचम हाउस में है वो ऐसे व्यक्ति जीवन में लड़कियों की संख्या इनको अधिक होती है। छठवें हाउस का सूर्य मंगल शनि ये शत्रु अधिक पैदा करता है, मानसिक तनाव देता है, केस मुकदमा लड़ाता है, दिमागी उलझन देता है। सप्तम हाउस का शनि मंगल सूर्य, दोस्तों, पत्नी है तो पुरुष सुख में बाधा देता है, मर्द है तो स्त्री से विवाद बना रहता है। सातवें आठवें हाउस का शुक्र मंगल सूर्य ये, दोस्तों, स्वास्थ्य में गड़बड़ी लाता है, मानसिक तनाव देता है,
कफ संबंधी बीमारी पैदा करता है, ब्लड संबंधी बीमारी करता है। नौवें हाउस का मंगल शनि सूर्य दोष ये अच्छी प्रतिष्ठा बनाता है, प्रशासनिक अधिकारी बनाता है, उद्योगपति बनाता है और समाज में अच्छी इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त कराता है। दसवें हाउस का सूर्य मंगल शनि दोस्तों ये हिम्मती बनाता है, अच्छी सोच बनाता है, ऐसे व्यक्ति ही जज, सिविल जज, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस बनते हैं। ग्यारहवें हाउस का शनि मंगल सोच दोस्तों ऐसे व्यक्ति परिश्रम जितना भी करें लाभ इनको कम मिलता है, जीवन में परिश्रम करते करते थक जाएंगे मगर उन्नति में बाधा होगा, उन्नति इनकी नहीं हो पाएगी। ग्यारहवें बारहवें हाउस का शुक्र शनि मंगल सूर्य बारहवें हाउस का जिसका व्यक्ति का शनि मंगल सूर्य होता है ये इनसे आर्थिक धन अधिक खर्च होते हैं, गलत जगह धन इनके पहुंच जाते हैं और बाद में अपनी भावुक भी होते हैं और विश्वास पर इनके आर्थिक क्षति इनको होती है। दोस्तों अधिकांश पाया गया है कि शनि मंगल सूर्य का युक्ति कुछ स्थान भाव को छोड़कर हानिकारक है, इसलिए जिसके भी कुंडली में शनि मंगल सूर्य हो कृपया विद्वानों से सलाह लें। मुझसे अगर आपको सलाह लेना है तो मेरे मोबाइल नंबर 9425308 के पुल पर संपर्क करें। इतना छोटा वीडियो बनाने के बाद आपसे विदा ले रहा हूँ, आप लोग का प्यार सने रहे बना रहे, आगे आप लोग जो कहिएगा किस ग्रहों पर मुझको बोलना है मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। नमस्कार।